एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रिप्स हेंसलिट साइकिल के नाम से जानते हैं। यूरिया साइकिल, दी यूरिया इज़ दी एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ मैमल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन दी हिपेटोसाइट्स ऑफ लीवर इन अ साइक्लिक वे नोन एज यूरिया साइकिल। मीन्स पहले हम इसमें देखते हैं यूरिया क्या होता है। यूरिया एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि मैमल्स के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं, एंड इनका फॉर्मेशन मीन्स यूरिया का फॉर्मेशन हमारे लीवर के सेल्स में होता है। हिपेटोसाइट्स मीन्स लीवर के सेल्स के अंदर साइक्लिक वे में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, एंड इस साइकिल को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दिस साइकिल अकर्स इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ये जो यूरिया साइकिल है ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे जीव जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। दी यूरिया साइकिल कन्वर्ट्स हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। यूरिया साइकिल में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनको लेस टॉक्सिक मीन्स यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। दी यूरिया साइकिल वॉज फर्स्ट वर्कड आउट बाई क्रिप्स एंड हेंसलिट 1932 में। मीन्स फर्स्ट टाइम यूरिया साइकिल पे वर्क किए थे क्रिप्स एंड हेंसलिट ने। देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्स हेंसलिट साइकिल दी ऑनर ऑफ देम। इसी वजह से उनके रिस्पेक्ट में इस साइकिल को मीन्स यूरिया साइकिल को हम क्रिप्स हेंसलिट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दी यूरिया साइकिल ऑपरेट पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टली इन साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स एज फॉलोज। मीन्स यूरिया साइकिल जो लीवर के सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंड साइटोप्लाज्म में भी ऑपरेट होते हैं। ये साइकिल है यूरिया साइकिल, एंड ये जो ऑपरेट होता है ये हिपेटोसाइट्स मीन्स लीवर के सेल्स में ऑपरेट होता है। पार्टली ये साइटोप्लाज्म एंड पार्टली ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होते हैं, बट इसकी जो स्टार्टिंग होगी साइकिल की वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, एंड जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर अमोनिया का वन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट का। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स, इनके हेल्प से इनके प्रेजेंस में यहाँ पे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होके कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जब कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर ये कार्बामोइल फॉस्फेट अमीनो एसिड्स जिसका नेम है ऑर्निथिन से रिएक्ट करता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज देन फॉर्मेशन होता है सिट्रुलिन का। अभी तक ये जितने स्टेप्स थे ये स्टेप्स हुए हिपेटोसाइट्स मीन्स लीवर के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट हुए, बट जब यहाँ पे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में पास हो जाते हैं। देन सिट्रुलिन यहाँ पर सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड से रिएक्ट करता है, एंड ये एस्पार्टिक एसिड्स क्रिप्स साइकिल से अंदर आते हैं इस साइकिल में। तो जब सिट्रुलिन यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट एंड सिंथेटेज एंड 1 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 मैग्नीशियम आयन, देन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड स्प्लिट हो जाते हैं आर्जिनिन में एंड फ्यूमरिक एसिड में, जिसको हम फ्यूमरेट भी बोल सकते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिन सिंथेटेज मीन्स आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देन इसके बाद यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड स्प्लिट हो जाते हैं आर्जिनिन में एंड फ्यूमरिक एसिड में इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिन सिंथेटेज। नेक्स्ट स्टेप में आर्जिनिन इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज स्प्लिट होता है यहाँ पर ऑर्निथिन में एंड यूरिया में। एंड जब यहाँ पर आर्जिनिन स्प्लिट हो गया है ऑर्निथिन एंड यूरिया में इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, तो यहाँ पर जो ऑर्निथिन है ये न्यू साइकिल ऑपरेट करने लगता है। बट जो यहाँ पर यूरिया है, यूरिया ब्लड में डिफ्यूज आउट हो जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं किडनी में फॉर यूरिन फॉर्मेशन। तो ये था यूरिया साइकिल, जो कि यहाँ पर हम देखें तो अमीनो एसिड से ऑर्निथिन सिट्रुलिन, जब तक सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है सिट्रुलिन में ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बट जब ये सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस स्टेप से ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं।
तो ये था इसमें यूरिया साइकिल का पूरा स्टेप। एंड यहाँ पर जो स्पार्टिक एसिड है ये क्रेब साइकिल से आता है, एंड यहाँ पर जो फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ मीन्स फ्यूमरेट का, ये चला जाता है यहाँ क्रेब साइकिल में चला जाता है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया यूरिया साइकिल, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रिप्स हैंसलिट साइकिल के नाम से जानते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।